काउंटर वगैरह सब बंद हो गई थी, लेकिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ था। लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या में बहुत सा यात्री रुका हुआ था, वो विभिन्न कथाओं में अन्य कार्यक्रमों में आया हुआ। तो उस 22 तारीख को हमारे यहाँ कार्यशाला में दान काउंटर पे लगभग 6 लाख रुपया उस दिन भी आया, और जो सेलिब्रिटीज आए थे, प्रमुख लोग आए थे, उन लोगों ने ड्राफ्ट चेक मिलाकर के 3 करोड़ रुपए का नगद पेमेंट किया। अयोध्या में श्री राम के दर्शन को उमड़ रहे भक्त एक महीने का चढ़ावा सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। रामलीला के दर्शन को उमड़ रहे भक्तों में से एक महीने में करोड़ों का चढ़ावा आया है। आखिर कितना चढ़ावा मंदिर में आया है, जिसमें कितना सोना है और कितना चांदी है, और कितने लाखों लोगों ने मंदिर के दर्शन किए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूँ आपके साथ तनुषा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में जब से रामलीला विराजमान हुए हैं, तब से वहां हर रोज भक्तों का तांता लग रहा है। हर कोई प्रभु श्री राम के दर्शन को आतुर है। 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच कितने भक्तों ने राम मंदिर में दर्शन किए और क्या कुछ उन्हें अर्पित किया, इसे लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। 23 जनवरी को आम लोगों के लिए दर्शन की अनुमति मिलते ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। आपको बता दें कि 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच एक महीने में अगर दर्शनार्थियों की कुल संख्या की बात करें तो वो 60 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में मग्न है और उनके दरबार में हाजिरी लगाने को व्याकुल भी है। अब इतने अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए तो ये भी जिज्ञासा आपके मन में होगी कि आखिर उन्होंने समर्पित क्या कुछ किया। श्री राम मंदिर समेत जो अलग अलग दान काउंटर और दान पात्र हैं, अगर उनमें समर्पित की गई धनराशि की बात करें तो यह लगभग 25 करोड़ रुपए है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय की माने तो इस धनराशि में राम भक्तों द्वारा समर्पित किए गए चेक, ड्राफ्ट और नगद राशि शामिल है। हालांकि विदेशी राम भक्तों द्वारा किए गए समर्पण के साथ वह धनराशि की गणना इसमें नहीं है, जो राम भक्तों ने सीधे बैंक के माध्यम से दान दी। अगर इन अलग अलग सोर्स से समर्पित की गई कुल राशि की गणना करें तो 25 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा काफी बड़ा होगा। वहीं आभूषणों और रत्नों की बात करें तो राम भक्तों की श्रद्धा ऐसी है कि वो बाल रामलला के लिए चांदी और सोने के बने ऐसे सामान दान दे रहे हैं जिनका उपयोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ही हो सकता है। इसके बावजूद भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट सोने चांदी से बने आभूषणों, बर्तनों और सामग्रियों को स्वीकार कर रहा है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता कहते हैं कि भक्तों की अपनी श्रद्धा है, हालांकि बहुत सारे सामान ऐसे आ रहे हैं जो उपयोग में नहीं आ सकेंगे। एक राम भक्त ने ऐसे 8 से 10 सामान एक साथ चढ़ा रहा है। इनमें सोने और चांदी से बने मुकुट से लेकर हार, छत्र, रथ, चूड़ी, खिलौना, पायल, दीपक और अगरबत्ती स्टैंड, धनुष बाण, अलग अलग तरह के बर्तन समेत बहुत सारी सामग्रियां हैं। चांदी की बात करें तो लगभग 25 किलो से अधिक चांदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अब तक राम भक्तों ने समर्पित की है। वहीं सोने की बात करें तो अभी तक इसका सही वजन अनुमान नहीं हो सका है, मगर ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो अगर अलग अलग मुकुट समेत समर्पित किए गए कुल सामानों का वजन लगभग 10 किलो के आसपास होगा। यानी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन भी कर रहे हैं और अपने आराध्य को जी खोलकर दान भी दे रहे हैं। भक्तों का ये सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर रोज भक्त की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको आंकड़ों का सहारा लेकर राम मंदिर की सारी अपडेट्स बताई हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ तनुषा।